हेलो गाइस, व्हाट इज अप। तो यार एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो भाई यार आज का वीडियो मैंने सोचा कि यार महिंद्रा पे बहुत बना लिया है, यार मारुति पे भी अपन ने दो तीन गाड़ियाँ कवर कर ली, अपन ने यार टाटा पे टिगोर भी कवर करी जिसका रिव्यू भी आपके लिए मे भी आ चुका होगा वरना आएगा सर्विस का। तो यार आज हम लाए हैं आपके लिए टाटा नेक्सॉन जो कि पुरानी वाली है भाई, फेसलिफ्ट वाली नहीं है। तो यार मैंने सोचा चलो आज नेक्सॉन को लेके आते हैं भाई, भैया जिन भैया की गाड़ी है भाई आज वो काफ़ी दिन बाद आए हैं, तो हमने आज भाई उनसे बस कल पूछा था कि भैया अगर आपको दिक्कत ना हो आप चलेंगे, तो भाई भैया एकदम ऑल ओके थे, उन्होंने कहा कि चल भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आज अपने पास नेक्सॉन आई है भाई। देखो नेक्सॉन का पहले मॉडल बता देता हूँ आपको कौन सा है भाई। ये है 2021 का मॉडल, 2021 जुलाई का XMAS, जो कि भाई मिड वेरियंट है इस गाड़ी का, और मतलब इसमें सनरूफ भी प्रोवाइडेड है। तो यार ये मतलब अभी मैं गाड़ी में बैठा था, जब मैं पहली बार बैठा था इस वाली नेक्सॉन में, हालांकि मेरे डायड को भाई इलेक्ट्रिक नेक्सॉन मिली हुई है ऑफिस की तरफ से, उसका थोड़ा अलग है, पर ये वाली भाई मतलब जब मैं खुद पर्सनली बैठा, तो बाकी हम बातें तो भैया के साथ करेंगी, पर मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इसमें खुद बैठा तो यार मेरे को लगा कि जो रेंज में ये आती है ना उसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे प्रोवाइडेड है टाटा की तरफ से। और भाई अब आप देखिए इस वेरियंट में भी सनरूफ मिल रही है, तो भाई थम्स अप टू टाटा। तो बाकी भाई बाकी की बातें करेंगे सीधा वरुण भैया के साथ, वो भाई अपनी सोसाइटी में रहते हैं। तो भाई अब बिना कोई टाइम बर्बाद करें हम बुलाते सीधा वरुण भैया को, और फिर भाई छोटे से सवाल जवाब करेंगे जैसे हर वीडियो में होता है। तो बस भाई अब आ जाओ, अब बुला लेते वरुण भाई को। तो आ जाओ भैया। 2000 years later. So guys, welcome back. तो भाई वरुण भैया आ चुके हैं भाई, तो वेलकम भैया मोटर एम्पायर में। तो भैया सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपने अब ये लिया 2021 में, पहले तो बताओ कि कितनी कॉस्ट पड़ी आपको इस गाड़ी की। ये मेरे को ऑन रोड 10 के आसपास। अच्छा, मतलब अप्रोक्सीमेट तो आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं, मतलब 10.5 लाख के हम करीब सब है। तो सबसे पहले तो ये बताओ यार, मेरे को अभी थोड़ी देर पहले पता चला भैया से कि भाई भैया 2001 से टाटा ओन कर रहे हैं। तो भाई पहले तो आप भैया के गाड़ियों का लाइनअप सुन लो टाटा का, तो भैया बता दो पहले। तो 2001 में मेरे पापा ने टाटा अपनी इंडिका आई थी, हाँ, तो डीजल वाली बोली ठीक है, फिर 4 साल उन्होंने चलाई, ओके 1.5 लाख किलोमीटर चलाई। अरे भाई 4 साल में काफी चलाई भाई, 1.5 लाख तो बहुत होती है भैया। फिर उसके बाद फिर मैंने भी उसी में सीखी है। अच्छा अच्छा, 2004-5 में मैंने गाड़ी चलाना सीखा, फिर उसके बाद 2005 में हमने इंडिगो ली। अच्छा, वो भी टाटा की। हाँ, तो वो भी हमने 1.5-2 लाख किलोमीटर चलाई। अच्छा, फिर उसके बाद हमने मांजा ली। अच्छा, तीसरी गाड़ी मतलब मांजा भी हमने। अच्छा, अच्छे खासी 1.5 लाख के आसपास चलाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हमारा ये था कि पूरी चलानी है उसको, मतलब आपकी रनिंग अच्छी खासी है, तभी आप डीजल गाड़ी लेते थे। डीजल गाड़ी लेते थे और टाटा की लेते थे। अच्छा अच्छा, रिलायबल था। हाँ, मतलब वो टाटा की ब्रांड वैल्यू है, हमें पता था कोई दिक्कत आएगी तो कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, मतलब हमने इतने साल टाटा चला के पता लग गया था कि कैसे इसे निपटना है। और क्या बोलते हैं, फिर हमने मांजा के बाद फिर ये ली। अच्छा, नेक्सॉन आ गया। नेक्सॉन आ गई। अच्छा अच्छा, क्योंकि लेनी थी। और फिर और अभी पिछले साल मैंने फिर टियागो, भैया ने टियागो भी लिए सीएनजी वाली। तो भाई आप देख रहे हो मतलब एक तरह से, तो जैसे ये हमारी पेट्रोल की हमारी पहली। अच्छा, ये पेट्रोल की गाड़ी है भाई, क्योंकि अब आपको पता है वो 10-15 साल वाला थोड़ा लोचा है, तो इस चक्कर में भैया ने ली होगी मेन। तो भाई इसका मतलब हम जैसे महिंद्रा फैन बॉय, वैसे भैया तो टाटा से मतलब हमसे भी बड़े बिगेस्ट टाटा फैन बॉय निकले। तो भाई एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, भैया के पास पुरानी वाली फॉर्च्यूनर भी थी है ना, तो भैया वो कितनी चलाई थी आपने? वो भी हमने 1.25 लाख। अच्छा, मतलब वो भी अच्छी खासी आपने चलाई थी। हाँ, वो 10 साल हो गए थे फिर बेच दिया। हाँ, वो थोड़ा डीजल का रहता है चक्कर। फिर पापा अब ज्यादा रनिंग नहीं बची है, तो इसलिए हमने फिर पेट्रोल पे आ गए। नहीं, बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, जैसे मैं अभी अंदर अभी जब बैठा था तो यार आपने देखा भाई, भैया मतलब 20 साल से ऊपर हो गया भैया को टाटा ओन करते हुए, हालांकि उन्होंने बीच में फॉर्च्यूनर ली थी, पर भाई टाटा का लव भैया के लिए अभी भी वैसा ही है जैसे इनका पहला था। तो भैया आप सबसे पहले ये बताओ, जैसे आपने ये नेक्सॉन ली उस टाइम मार्केट में और भी गाड़ियां थी, जैसे हमारी XUV 300 भी थी, ब्रेजा भी थी, उसके अलावा वेन्यू भी थी, किया भी थी, तो आपने टाटा पे ही क्यों गया? या तो एक रीजन तो यही हो गया कि आप पहले से ओन करते आ रहे टाटा, तो मे बी आपकी रिलायबिलिटी उसमें काफी ज्यादा बढ़ गई, तो आपने क्या बाकी ब्रांड एक्सप्लोर नहीं करे, या आपको टाटा ही लेनी थी? मुझे टाटा ही लेना। अच्छा, मतलब बाकी का कुछ ऑप्शन ही नहीं बनता? ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मांजा हमारी 10 साल हो गए थे, खत्म हो गई थी। अच्छा अच्छा, गाड़ी लेनी थी तो फिर टाटा ली। अच्छा, तो मतलब डायरेक्ट शोरूम ही चले गए। हाँ, टाटा। अच्छा, तो आपने इसमें टॉप वेरिएंट लेने का कुछ नहीं सोचा कि जैसे टॉप वेरिएंट में इसमें काफी ज्यादा फीचर्स आते हैं, और उसमें तो आपने ये मिड वेरिएंट उठाया? जैसे मेरे फादर और मैं चलाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ना उनको ज्यादा शौक है। अच्छा, फीचर्स का। मतलब गाड़ी होनी चाहिए भैया इधर से उधर जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, और सेफ्टी होनी चाहिए। हाँ भाई, बाकी टाटा है तो सेफ्टी तो बनती है, 5 स्टार तो है भाई, नेक्सॉन है चाहे कोई भी हो गाड़ी टाटा की आजकल, तो आपको पता है। तो मतलब भाई देखो, भैया ने ना सीधी प्रैक्टिकल बात करी भाई, कोई इधर उधर की बात नहीं, कि भाई गाड़ी को मतलब हमको बस गाड़ी चाहिए इधर से उधर जाने के लिए मेनली, फीचर्स का भैया को कोई इतना शौक नहीं। भाई एक चीज़ और बताऊंगा इस गाड़ी में भाई, इंफोटेनमेंट सिस्टम
मेरे स्क्रीन नहीं है, स्टीरियो है अंदर जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वो आपको अंदर बैठ के बताएंगे जब इंटीरियर का रिव्यू इसके लिए आपका ले लेंगे। तो भैया सबसे पहले बताओ, अभी ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 23,000 चल चुकी है ना, तो आपने इसमें कहीं ट्रिप ट्रिप करे हो या फिर कुछ जैसे आप रोड ट्रिप पे इसको ले रहे हो? ट्रिप तो लगता रहता है मेरा, पहाड़ वाला तो लगता रहता है। अच्छा, और अपना एक बार मैं बनारस भी होके आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ आपको याद है कितने किलोमीटर आना जाना हुआ था आपका टोटल, जैसे दिल्ली से बनारस? मेरे से बनारस तो 600 के आसपास, 750 से ऊपर है मेरे हिसाब से बनारस, तो ना भाई 1500 के करीब हम समझ लेते हैं, 1500 से 1600 के बीच में। तो भाई 1500 से 1600 तो काफी ज्यादा डिस्टेंस है भैया, तो मतलब कैसा आपने कुछ सोचा नहीं कि यार पहले हम बड़ी गाड़ी कोई हो सकती है, हो सकता है उससे जाए? जैसे जनरली क्या होता है, जैसे मैं नॉर्मल चीज़ ये बोल दूंगा कि भाई हम भी जैसे कभी 1500 या 2000 की ट्रिप पे जाते हैं, तो जनरली ये नहीं होता कि इनोवा से ही जाएगी पब्लिक, पर आप नेक्सॉन ले गए, तो कुछ ऐसा था कि भाई छोटी गाड़ी ले जा रहे हो और वैसे कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आजकल हाईवे इतने अच्छे बने हुए हैं। हाँ ये तो सही बात है, और हम तीन जने थे, मैं मेरी वाइफ और मदर थे बस। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी गाड़ी का कोई मतलब वो फिर तो सही है। मतलब और बाकी भैया इसका एवरेज वगैरह कैसा आया था रोड पे, क्योंकि पर ये बात दोस्तों देखो ये दो चीजों में पार्ट पे होगा, क्योंकि भैया पहाड़ों पर गाड़ी का एवरेज अलग आता है और जब एकदम प्लेन रोड और गुड रोड हो तब अच्छा आता है। तो पहले आप बना दो बनारस के टूर में आपको अगर कुछ याद हो कितना एवरेज गाड़ी ने मैक्सिमम निकाला हो या ओवरऑल कितना आया हो गाड़ी में? ये 22-23 की एवरेज दी थी। अच्छा काफी अच्छी है फिर तो, मतलब गुड है फिर तो, बहुत अच्छी है। एसी तो चलता ही आजकल। हाँ वो तो है, बिना एसी के तो 22-23 की एवरेज। अच्छा, और पहाड़ों में कुछ आपको याद है जैसे आप ले गए? पहाड़ों में मेरे ख्याल से इसने 13-14 की एवरेज दी, फिर भी काफी अच्छी भी है पहाड़ों के हिसाब से, क्योंकि पहाड़ों में तो जनरली टर्न्स लगते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं, गियर वगैरह में भी प्रॉब्लम आती है शिफ्टिंग में। चलो तो फिर यार उसका मतलब नेक्सॉन अच्छा खासा आपको एवरेज दे रही है। अब भाई सबसे पहले बात आ गई, हमने कर ली भाई ट्रिप्स की बात, एवरेज की बात, सबसे बड़ी बात है भैया कंफर्ट की बात, क्योंकि जब आप गाड़ी को 1000 से ज्यादा की ट्रिप पे लेके जाते हो, मैं 1000 से नीचे इसे नहीं समझता क्योंकि वो नॉर्मल है ना, 1000 से ऊपर जब हम ट्रिप करते हो ना मेन, तब आता है कि कंफर्ट गाड़ी का कैसा रहता है। और आप तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 1500 से ऊपर जब ट्रैवल करके आए हो टू एंड फ्रो, तो तब कैसा आपका कंफर्ट रहता है इस गाड़ी के अंदर? बहुत अच्छा कंफर्ट है, सीट्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं लॉन्ग ट्रिप्स में, जैसे आपकी मम्मी पीछे बैठी थी तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पीछे बैठने में? ये भैया ने बात सही की, क्योंकि यार जब पहले अपने को गाड़ी वाड़ी चलाने का आज कुछ पता नहीं था, तो जब हम टूर पे जाते थे तब तो टाटा ही चलती थी सर, टाटा और इनोवा चलती थी दो गाड़ियां, तो मतलब अच्छी थी वो गाड़ी। अच्छा अब क्योंकि गाड़ी टाटा है, ये है टाटा का बैच, तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम भैया आती है आजकल टाटा में आफ्टर सेल सर्विस की, जो कि आती है सर्विस के टाइम पे जब आप गाड़ी की सर्विस कराने जाते हो। तो अभी जैसे मैंने गाड़ी में देखा था कि आपने सर्विस शायद रिसेंटली करवाई है, तो अब थोड़ा सा दर्शकों के साथ ना सर्विस का एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि जैसे हमने टिगोर के रिव्यू में भी बताया था, टिगोर के रिव्यू में आपको अभय भाई ने बताया था कि भाई उनको आधे दिन से ज्यादा, मतलब आप मान लो 9.5 से 10 घंटे लगे थे उनको अपनी सर्विस कराने में गाड़ी की, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा टाटा के साथ सर्विस का? मेरे को तो 20 साल हो गए हैं। अच्छा सर्विस हाँ। और उसी एक ही जगह मैंने सर्विस कराई 20 साल से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे को वहाँ सब जानता है स्टाफ, बल्कि रिसेंटली अभी उनका मतलब उन्होंने मैनेजमेंट चेंज हो गया, फिर भी जो पुरानी मैनेजमेंट थी उन्होंने मेरे को नई मैनेजमेंट से मिलवाया था, हमारे पुराने कस्टमर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे से टोयोटा से होंडा से, जैसे मेरे पास टोयोटा थी, मेरे पास मारुति की 2-3 गाड़ियां भी हैं, तो उसके मुकाबले अगर देखोगे तो ये अपना थोड़ा ना देसी वाला पन है अभी इसमें। हाँ, अच्छा अच्छा, वर्कशॉप में भैया नॉर्मल कैजुअल है ये, मतलब ऐसा एडवांस नहीं हुआ है जैसे, मतलब एकदम प्रोफेशनल टाइप्स नहीं है। हाँ प्रोफेशनल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री तो है, मतलब सही है आपके लिए? मेरे हिसाब से ठीक है, हो सकता है मेरी उनसे, हाँ मे भी हो सकता है, आप रिलायबल कस्टमर हैं काफी पुराने टाइम से, इसलिए आपसे थोड़ा अब तक कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा अच्छा, 20 साल हो गए मेरे को सर्विस कराते हुए, मतलब जैसे पहले पापा चलाते, पापा के साथ जाता था मैं। और अभी जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने 11 बजे गाड़ी दी थी, 3 बजे मुझे गाड़ी मिल गई थी, तो यार अच्छे टाइम में मिल गई आपको, मतलब ऐसे ज्यादा टाइम तो नहीं लगा इसमें, 2 साल और 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस थी। ठीक है ठीक है, इसकी यार 15,000 पे ऑयल चेंज होता है। अच्छा अच्छा, इसमें अलग है, जैसे अपनी महिंद्रा में 10,000 पे है, इसमें 15,000 पे। अच्छा, तो इसमें भी कुछ अप्रोक्स आपको याद होगी सर्विस कॉस्ट वगैरह कितनी आई थी गाड़ी की? 6800 रुपए आई थी। 6800 तो काफी अच्छी है, तो उसमें बैलेंसिंग अलाइनमेंट आपने कंपनी से कराई थी या बाहर से कराई थी? तो कंपनी से कराने में मतलब विद इन 7000 की रेंज तो काफी अच्छी चीज है, मतलब ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है टाटा में। तो मतलब ये जो आजकल लोग बोल रहे हैं कि भाई टाटा वाले सुनते नहीं है, ये नहीं करते, इस पे आपको कुछ है कहना या टिप्पणी आप नहीं करना चाहेंगे इस पे? देखो
मेरे साथ तो अब तक हुआ नहीं है तो मैं ऐसा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मुझे मानजा में दो तीन दिक्कतें आई थी, जैसे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम वो खराब हो गया था। अच्छा, लेकिन वो मेरा वारंटी में था, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली थी तो सब कुछ उन्होंने ठीक करके दिया। मतलब दो तीन पावर विंडो भी खराब हो गए थे, सब ये सही बात है। क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है भाई, गाड़ी ऐसी चीज है आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे और अच्छा खासा अमाउंट आपने पे करा है, 8 लाख से ऊपर कोई भी गाड़ी आती है अच्छा खासा अमाउंट है। तो भाई थोड़ा बहुत और पैसा लगा के अगर आपकी गाड़ी की सेफ्टी और मेंटेनेंस बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार भैया नई वाली नेक्सॉन के बारे में आपका क्या ख्याल है भाई? बहुत मतलब अल्टीमेट निकाली है टाटा वालों ने, बहुत बढ़िया अच्छी लग रही है गाड़ी, काफी अच्छी है। देखने में तो बहुत अच्छी है। हाँ, बाकी मेरे को पर्सनली मैं बताऊँ उसके अंदर जो उन्होंने पर्पल की थीम दी है ना वो मेरे को पर्सनली इतनी पसंद नहीं आई, पर जो भाई बाहर से लुक निकल के आई है ना गाड़ी की वो तो अल्टीमेट लग रही है। उसके अलावा टाटा वालों ने अंदर से उसके इंफोटेनमेंट में भी चेंजेस करे ना वो भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि पहले लैग करते थे और अब एकदम लैग फ्री हो गए हैं, तो भाई उसके लिए थम्स अप है भाई टाटा को। तो बाकी भैया अगर आप कुछ और बताना चाहते हो दर्शकों को तो बता दो। नहीं, गाड़ी अगर किसी को लेनी है तो बहुत बढ़िया गाड़ी। अच्छा अच्छा, मतलब आप सजेस्ट करोगे नेक्सॉन के लिए जाओ, बढ़िया आपके लिए। अच्छा दोस्तों इसमें एक चीज और रह गई, इसमें अपन इंजन की बात करते हैं, ये क्योंकि ऑटोमेटिक है वो भी पेट्रोल में, तो इसमें आपको 1199 सीसीई का इंजन मिलता है जो कि भाई 2 सिलेंडर इंजन आपका पेट्रोल इंजन है, और इसकी जो बीएचपी और पावर और टॉर्क है वो आपको साइन हो जाएगा, आई थिंक 118 बीएचपी है और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, अगर गलत हुआ तो आपको साइड में बता दिया जाएगा। अच्छा बाकी भैया एक चीज और रखिए, इसका बूट का क्या सीन है, मतलब सामान आ जाता है आपका अच्छे से इसमें? मतलब जितना हमारा जरूरत है उतना तो आ जाता है। मतलब जैसे पहले आपके पास जो गाड़ी, जैसे पहले की बात करें अगर, जैसे आपने बताया आपके पास इंडिका और मांजा वगैरह थी गाड़ियाँ, तो उनमें जिस तरह सामान आप भर के, क्योंकि वो तो काफ़ी डिग्गी उनकी बड़ी बड़ी थी, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होती है सामान वामान भरने में? बढ़िया, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है बूट स्पेस। तो मतलब एक तरह से बोला जाए तो भैया 10 में से आप गाड़ी को कितने स्टार देना चाहोगे? मैं तो 10 दूंगा इसको। नहीं वैसे 10 की तो, क्योंकि कोई चीज परफेक्ट तो कभी होती नहीं है, तो वैसे आपके हिसाब से आप खुश, ओवरऑल आप खुश हो? 8-9 तो आराम से, 8-9 आराम से। तो भैया भैया ने कर दिया भाई नेक्सॉन पास। तो यार मेरे हिसाब से इस वीडियो के लिए इतना कुछ बहुत रहेगा, क्योंकि भाई भैया ने आपको बहुत कुछ बताया, मतलब भैया ने आपको हर चीज ही बता दी, जो जो चीज एक टाटा वाला बंदा आपको बताएगा वो भैया ने आपको बताया, कंफर्ट से लेके माइलेज से लेके, अच्छा ओडोमीटर की जो रीडिंग होगी वो आपको साइड में पॉपअप करवा दी जाएगी। और इसमें यार एक चीज़ और है, इसमें जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो प्योर डिजिटल है, बाकी अंदर से आपको दिखाएंगे थोड़ा। इसका इंटीरियर रिव्यू शॉर्ट से ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये बीच का मिड वेरिएंट है तो इसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स प्रोवाइडेड नहीं। हाँ, इसमें जो मोड्स है वो अंदर ही बताएंगे आपको। तो बाकी भैया और कुछ अगर बताना चाहो तो बता दो। बस ये है कि टाटा की ना, मेरे को बस पर्सनली बस एक प्रॉब्लम ये आई है कि ना, अगर आपको बीच में अगर बेचने का मन करे ना तो बेच नहीं पाओगे आप गाड़ी। अच्छा ऐसा? प्राइस नहीं मिलता है इसमें आफ्टर सेल, मतलब नेक्सॉन का और टियागो का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी नहीं लिया मैंने। जैसे इंडिका थी, इंडिगो थी, मेरे पास इंडिगो मांजा थी, तो वो तो हमने पूरी चलाई है। अच्छा, मतलब जब तो हमने लीज ली थी कि हमें पूरी चलानी है 10 साल, मतलब जब तक वो टंग ना करे। और जैसे अगर मैं उस समय, जैसे मैंने मांजा ली थी, अगर मैं डिजायर लेता और मेरा मन करता था 3-4 साल बाद मुझे निकलना है, दूसरी अपग्रेड करनी है गाड़ी, तो डिजायर के बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। मारुति का तो होता ही है भैया, अभी भी मतलब मारुति की गाड़ी आप निकाल दो ना तो आपको पैसा अच्छा खासा मिलेगा। अब ये जब निकालेंगे, जब इसका आफ्टर सेल पता, निकाल नहीं भैया पूरी चलाओ आराम से, तो पूरी लाख सवा लाख। मतलब मैंने टियागो ली थी, मेरी 25,000 चल गई। अच्छा हाँ, वो सीएनजी वाली, कितने टाइम हो गया उसको? उसको 1.5 साल हो गया भाई, 1.5 साल में मैंने 25,000 चला दी, और तो गई थी हम। तो बाकी भैया थैंक यू सो मच आने के लिए, आपका टाइम देने के लिए। सुबह का भाई 7 बजे का टाइम हो रहा है, भैया के साथ हम शूट पे हैं, तो थैंक यू भैया आप आए वीडियो में। तो बस अब हम भैया को अलविदा करेंगे और फिर हम आपसे बात करते हैं। सो गाइज, ये था आप सबके लिए टाटा नेक्सॉन XMAS का एक शॉर्ट सा ओनरशिप रिव्यू। ओनरशिप रिव्यू में भैया ने आपको इतना कुछ बताया कि भाई सब्सक्राइब तो करना बन रहा है चैनल को अभी, तो भाई पहले तो ठोक दो सब्सक्राइब बटन को। उसके अलावा भाई अब ये देखो भाई, ये वीडियो कब डलेगी, तो भाई या तो अहमदाबाद सीरीज़ आपके लिए आ गई होगी, वरना भाई वेट, अगर आ गई होगी सीरीज़ तो आपको पता चल गया होगा भाई हम अहमदाबाद क्यों गए थे, वरना भाई दोस्तों वेट करो, अहमदाबाद सीरीज़ का बहुत ही मस्त सीरीज़ होने वाली है वो, और उसमें मेगा इवेंट की मैं बात करूंगा आज। कौन सा मेगा इवेंट है भाई वो गैस करके कमेंट बॉक्स में बता देना। तो बाकी यार बस अब देखते हैं, इसका छोटा सा एक वॉक अराउंड कर लेंगे और इंटीरियर रिव्यू शूट कर लेंगे भैया के साथ, और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ भाई, फेसलिफ्ट का मॉडल अभी जनरली दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अभी किसी अपने नोन ने खरीदी नहीं है,
तो अगर वो कोई इसमें परचेज करता है, अपने को मौका मिलता है किसी से बात करने का उसके थ्रू, तो वो भी आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। क्योंकि यार देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई फेसलिफ्ट के टाइम में बंदा पुरानी गाड़ियाँ ला रहा है। यार देखो, प्रॉब्लम मैंने जैसे आपको एड्रेस करी थी पहले, तो भाई मतलब अब बस इसी से शॉर्ट नोट पे इस वीडियो को हम एंड कर देंगे। बाकी लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो आपका बनता ही है, वो करते जाओ। और जिनको भी मिड वेरियंट लेने हो, टाटा क्या ये वाला वेरियंट, हालांकि अब तो डिसकंटिन्यू हो गया, पर जिनको हो सकता है कि बाहर से कहीं सेकंड हैंड ले रहा हो, तो आप ये दिखाओ। और बाकी सब्सक्राइब करा दो चैनल को। तो बस इसी शॉर्ट नोट पे इस वीडियो को एंड कर देंगे। अंटिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।